हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए हैं तो जी एक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि हमें यहाँ पर पी एक्स दे दिया गया है और यहाँ पर शेषफल भी दे रखा है और क्यू एक्स भागफल भी दे रखा है। हमें क्या करना है, जी एक्स ज्ञात करना है। यानी ये हमें जी एक्स को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर दे रखा है, भाज्य बराबर दे रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य दे रखा है एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 रखा है और ये बराबर है आपका, भाजक दे रखा है, भाजक आपका ज्ञात करना है हमें। तो ये आपका दे रख जी एक्स हमें ज्ञात करना है और गुणे भागफल दे रखा है एक्स माइनस 2 और शेषफल दे रखा है प्लस, शेषफल कितना दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 ये हमें शेषफल दिया गया है। तो ये शेषफल है, तो ये आपका दे रखा है एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा जी एक्स गुणे एक्स माइनस 2। और ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस 4 होगा, ये आया आपका। अब हम क्या करेंगे, एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो ये माइनस 2x है, बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जी एक्स गुणे एक्स माइनस 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x², यहाँ एक्स है यहाँ 2x है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और एक एक्स, ये आपका 3x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 है यहाँ पे प्लस 2 है, घट जाएंगे, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जी एक्स और ये कहाँ चलाएगा, इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देते हैं तो भाग देंगे तो हमको जी एक्स मिल जाएगा। तो दे रखा है एक्स माइनस 2 से भाग देना है, एक्स माइनस 2 से एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 हमें भाग करना है तो हम भाग दे देते हैं। यहाँ x का पावर क्यूब है, यहाँ केवल x है तो अगर हम x² से गुणा कर दें, x² का गुणा x में तो x का पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस 2x² हो जाएगा। अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, यहाँ प्लस x का पावर क्यूब है यहाँ माइनस x का पावर क्यूब है, दोनों क्या होंगे घट जाएंगे और इन दोनों को देखिए दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये घट जाएगा माइनस x² आएगा और ये हो जाएगा प्लस 3x। यहाँ माइनस इसके नीचे तभी आएगा जब यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x² है यहाँ x से गुणा कर देते हैं तो x का गुणा x में करेंगे तो x² और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा और x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। अभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x में से 2x घट जाएगा आपका, क्योंकि दोनों के साइन क्या हैं अलग अलग हैं तो ये आपका हो जाएगा x। अब इसको उतार लेते हैं, माइनस 2 हो जाएगा, अब जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, अब तभी आएगा जब हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुणा इन दोनों में करेंगे, एक का गुणा x में करेंगे x हो जाएगा, 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस ये दोनों कट जाएंगे, शेषफल क्या आया आपका 0, भागफल कितना आया है आपका x² माइनस x प्लस 2। तो ये भाग जब हम इसको हम भाग दिए इसमें तो आया x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आ गया, भाग देने पर यही जी एक्स हो गया आपका, यही हमारा क्या हो जाए, या इसको हम घुमा के लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स बराबर x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।